नमस्कार, त्रिभुवन कुमार भारतीय यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं सुवर्णा कैथवास। हमारी यूनिट जो है यूनिट 6, उसके कई टॉपिक ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पे आके के प्ले लिस्ट में जाएं और वीडियो को देखें। इसके अलावा मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने भी मॉक टेस्ट में इनरोल नहीं किया है तो कृपया करके वो जल्द से जल्द एडमिशन ले लें, क्योंकि अभी भी बहुत टाइम है आपके पास। बहुत टाइम क्या कहें कि 50-55 दिन है, तो इसमें आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए, क्योंकि नया तो पढ़ेंगे ही, नया पढ़िए, लेकिन उसके साथ साथ पुराना भी आपको पढ़ना पड़ेगा और प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी एमसीक्यूज क्वेश्चन की, जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, तो उनसे बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है, तो आप उनकी भी प्रैक्टिस जरूर करें और हमारे वीडियो लगातार देखते रहें और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। चलिए हम शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं कि आर्थिक विकास के जो मॉडल हैं, तो उसमें कुछ हमको डिस्क्राइब नहीं किया है कि क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा, लेकिन आर्थिक विकास के मॉडल तो हमको पढ़ने पड़ेंगे। तो इसमें उदारवादी मॉडल था एक, एक मार्क्सवादी था तो हमने पढ़ लिया। अब गांधीवादी आज हम पढ़ेंगे। तो इसमें हम देख लेते हैं कि जो विकास का गांधीवादी मॉडल है वो क्या कहता है। ठीक है, इसमें क्या है कि आपको ये प्रस्तावना दी हुई है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये प्रस्तावना में हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो विकास पर जो गांधीवादी परिप्रेक्ष्य है या मॉडल कहें, दो पहलुओं से विशिष्ट है ना। एक तो भौतिक खुशहाली की तुलना में आत्म विकास को ये प्राथमिकता देता है। दूसरा है आधुनिक मशीनरी प्रौद्योगिकी मिलों की तुलना में बुनियादी स्तर पर काम करने वालों ग्रामीण और ग्रामो उद्योग के विकास को प्राथमिक देता है। गांधी जी ने समूचे देश की विस्तृत यात्रा की और इस दौरान उन्होंने बैलगाड़ी से लेकर ट्रक जैसे परिवहन के विविध साधनों का भरसक प्रयोग किया। वह यात्रा के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। तो ऐसी यात्राओं के दौरान हजारों लोग उन्हें सुनने और सिर्फ उनकी एक झलक पाने के लिए इकट्ठा होते थे, है ना। तो अच्छा, आपके में एमके गांधी करके भी यूनिट 1 में जो इंडियन थिंकर में है, तो एमके गांधी यानी कि महात्मा गांधी के बारे में दिया गया है। तो उसमें ये जो विकासवाद का एक मॉडल है, तो इसको तो जब आप पढ़ लेंगे तो आधा तो आपका यहीं से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो उनके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो ये भी उसमें आएगा। तो जब विकासवादी मॉडल आप विकास पर गांधीवादी मॉडल पढ़ लेते हैं तो आधा यहाँ से आपका एमके गांधी कवर हो जाएगा, और जो जो चीजें रह गई हैं तो उनको मैं बता दूंगी। ठीक है, तो देखते हैं कि उन्होंने क्या किया। खादी और ग्राम उद्योग, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी के जीवन से सभी लोग परिचित हैं। वे हमेशा खादी के वस्त्र पहनते थे, और क्या पहनते थे, वो केवल एक बॉटम वेयर ही पहनते थे जिसको धोती कहा जाता था, और ऊपर एक गमछा टाइप से अंग वस्त्र लिए रहते थे और पैर में खड़ाऊ पहनते थे, है ना। तो उनका जो जीवन था वो बिल्कुल सादगी और सरलता से भरा हुआ था, है ना। तो इसीलिए उनको सब महात्मा गांधी कहते हैं, या बापू के नाम से भी वो जाने जाते हैं। तो इसमें बता रहा है कि गांधी जी का सुदृढ़ विश्वास था कि स्वदेशी के सार में प्रत्येक व्यक्ति के तन को ढकने के पर्याप्त कपड़े को बनाना शामिल है। तो वो स्वदेशी के ज्यादा हितकर थे। जैसे अभी आप सब देख सकते हो कि बाबा रामदेव भी ये नारा देते हैं कि स्वदेशी अपनाओ, यानी कि हमें जो भी चीजें यूज करनी चाहिए वो अपने देश की बनी हुई यूज करनी चाहिए, ना कि हमको भारतीय जो कि विदेशी कंपनियों यहाँ आकर के अपना सामान बेचती हैं और हम उन्हें ही ज्यादा प्रेफर करते हैं, और अपने जो भारतीय सामान है उसको इतना नहीं प्रेफर करते हैं।
तो इनका भी यही नारा था कि जो कपड़े होने चाहिए वो भारतीय होने चाहिए, तन ढकने के लिए, है ना, तो स्वदेशी होने चाहिए। लोगों को सिर्फ स्वदेशी वस्त्र के प्रयोग के लिए स्वयं को इस दिशा में वचनबद्ध करने की जरूरत थी। फिर तन ढकने के लिए खादी के कपड़े के प्रयोग के अधिक प्रभाव है ना। तो खादी को ही उन्होंने क्यों इतना मतलब उसका प्रचार किया, तो खादी को अपने सभी निहितार्थों के साथ अपनाया जाना चाहिए। तो इसका क्या अर्थ है कि समग्र स्वदेशी मानसिकता अर्थात एक भारत में जीवन की सभी आवश्यकताओं का पता लगाने का पक्का इरादा, और वह भी ग्रामीणों की मेहनत और उनकी बुद्धिमत्ता के माध्यम से है। भारत के आधा दर्जन शहर ग्रेट ब्रिटेन के शोषण और भारत के 7 लाख ग्रामों का शोषण उनकी तबाही की बजाय भारत के ग्राम मुख्यतः आत्मसंतुष्ट होंगे, न केवल भारत के शहरों यहाँ की बाहरी जगह की स्वैच्छिकता से सेवा करेंगे, क्योंकि यह दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद है। ठीक है, तो इन्होंने जो था वो खादी बनाने के लिए ज्यादा लोगों को प्रोत्साहित किया है ना। खादी बनाने का कौशल किसी भी व्यक्ति विशेष की उंगलियों में छिपा है, जो उसे सशक्त बनाता है, जिससे उसे अपनी पहचान पर गर्व होता है। गांधी जी के लिए खादी का अर्थ भारतीयों को एक सूत्र में पिरोना था, है ना, तो इसीलिए उन्होंने खादी का प्रचार किया। चरखा, आप जानते होंगे कि जब भी हम बापू की तस्वीर देखते हैं, कोई छवि देखते हैं, तो वो चरखा चलाते हुए हमें नजर आ जाते हैं। तो चरखा से भी उनका एक बहुत बड़ा गहरा नाता रहा है ना। तो ये क्या कहते हैं कि यदि हम भारत के भूख से बिलकते रोगों के लिए दुख महसूस करते हैं, तो हमें अपने घरों में चरखा अवश्य लाना चाहिए। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि रोजाना चरखा कातना चाहिए। ये बोलते हैं कि चरखे के रहस्य को समझ लिया तो फिर आप बाहर कोई और काम नहीं ढूंढोगे, है ना, क्योंकि चरखा क्या होता है, कातने, धुनाई, बुनाई, उसके पास और अधिक खाली समय नहीं होगा। तो जब चरखा लाओगे तो जो आप खादी का वस्त्र पहनते हो ना, तो वो उसी चरखे से तैयार हो जाता है ना। इसीलिए इन्होंने चरखे की इतनी अहमियत बताई। तो बता रहे हैं कि चरखा एक तरह निर्धन उत्पीड़ितों को आर्थिक रूप से ऊंचा उठाने का एक साधन था। दूसरी तरफ इसके प्रयोग से कुछ नैतिक और आध्यात्मिक आधार भी थे। देश के शहर जो ग्राम के बलबूते तरक्की पर थे, अब उन्हें ग्रामों को कटा हुआ कपड़ा खरीद कर ग्रामीणों की क्षतिपूर्ति करने का अवसर भी मिल गया था, है ना। चरखे से देख रहे हैं आप कितना एक तरह का विकास हो रहा है। तो ग्रामों और शहरों में लोगों के बीच आर्थिक और भावात्मक बंधन बंधने लगे, है ना। तो इस तरह से एक विकास सा चल पड़ा है। तो चरखा ग्राम विकास का केंद्र बिंदु बन गया। तो जो पहले लोग गांव से भाग करके या गांव को छोड़ करके शहरों के तरफ जा रहे थे काम ढूंढने, जब उन्होंने गांधी जी ने चरखे के बारे में बताया लोगों का, उसका जो लाभ है उसके बारे में बताया, है ना, तो जब घर घर में लोग चरखा का प्रयोग करने लगे, तो क्या हुआ कि ग्रामों का विकास हुआ एक तरीके से, है ना। तो अब जो शहर थे, तो शहरों को भी गाँव से कटा हुआ कपड़ा खरीदना था, है ना, क्योंकि शहरों में तो बड़ी बड़ी जो मशीनें रहती थी उस समय इतनी प्रचलित नहीं थी, और उससे क्या होता है कि जो चरखा होता है उससे बहुत अच्छी क्वालिटी का एक जो सामान होता है वो तैयार होता है। तो इस तरह से गांव का विकास हुआ। तो ग्रामों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए मलेरिया रोधी अभियान, साफ सफाई में सुधार, ग्रामों में वाद विवाद का निपटारा और ऐसे बहुत से अन्य प्रयास किसी न किसी तरीके से चरखे के इर्द गिर्द घूमते थे। ठीक, गांधी जी ने क्या किया कि गांधी जी ने आम लोगों द्वारा चरखे को अपनाना उद्योगवाद, भौतिकवाद के विरुद्ध एक अभियान का वो सूचक समूह किया, है ना। फिर खादी का प्रयोग के लिए भी इन्होंने बहुत मेहनत की, है ना। ये देखिए, तो बता रहे हैं कि खादी और चरखे ने किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गांव का विकास करने में, है ना, लोगों को सशक्त बनाने में, लोगों को जागृत करने में, उनमें आत्मविश्वास जगाने में, है ना। तो खादी के प्रयोग ने जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं के निर्माण और वितरण की प्रक्रिया में अपना क्या दिखाया, प्रभाव दिखाया। गांधी जी ने कांग्रेसियों को सख्ती से खादी को उन्नत करने के लिए प्रेरित भी किया, है ना।
गांधी जी के अनुसार अन्य ग्राम उद्योग जो खादी से अलग हैं, क्योंकि इन उद्योगों में बड़ी संख्या में स्वैच्छिक श्रम शामिल नहीं है। मतलब कि जो बड़े बड़े उद्योग हैं वो जो उपज करते हैं तो उनमें स्वैच्छिक श्रम शामिल नहीं है। मतलब कि लोग अपनी स्वेच्छा से कार्य नहीं कर रहे हैं, है ना। तो खादी खादी के उपज के रूप में कायम रह सकते हैं, लेकिन खादी के बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं हो सकता है। देखिए, गांधी जी क्या कह रहे हैं कि उन्होंने हमेशा इस बात को माना कि भारत को बेहतर बनाने में मशीनरी का निरंतर प्रयोग हमेशा बना रहेगा। उन्होंने गौर किया कि व्यवसाय के रूप में हाथ से बुनाई बंगाल और जिन जगहों पर कपड़े की मिल नहीं थी वहां काफी तेजी से विकसित हुई। इसके विपरीत कामगारों और विशेष रूप से महिला कामगारों की दशा मुंबई और जिन शहरों में मिलों की स्थापना हुई काफी शोचनीय थी, है ना। मतलब काफी उनकी दयनीय खराब स्थिति थी। तो निष्कर्ष के रूप में हाथ से बनी वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए मशीन निर्मित वस्तुओं के बहिष्कार से देश की सामाजिक आर्थिक दशा में नई जान फूंक दी। तो जब विदेशी कंपनियां जो थी तो वो क्या करती थी, विदेशी कंपनियां मशीनरी लेके आती थी। तो मशीनरी जब आती थी तो मशीन से क्या होता था, मशीन से होता ये था कि बहुत सारे लोग, है ना, जो कि जिनको रोजी रोटी मिली हुई थी, जिनका रोजगार था, तो वो ठप पड़ जाता था। और एक तो वो बेरोजगार हो जाते थे, क्योंकि जब मशीन आ रही है, कोई बड़ी मशीन आ रही है ना, कोई कपड़ा बनाने की मिल ही है, तो उसमें सूत काटने के लिए अगर कोई बड़ी मशीन आ रही है तो वो 10-12 लोगों का काम तो वही खा जाएगी। तो फिर जो इंसान है तो वो क्या करेगा, तो बेरोजगार हो जाएगा। तो हमारा देश कहाँ जाएगा, हमारा देश जो आगे बढ़ रहा है, जिसका विकास होता है, विकास कैसे होता है कि अगर 10 लोगों को रोजगार मिल रहा है भाई, रोजी रोटी उनकी चल रही है, तो उनके पास भी तो धन आएगा, उनकी दशा भी अच्छी हो जाएगी। लेकिन जब वो बेरोजगार रहेगा, है ना, तो जब देश में गरीबी बढ़ेगी तो देश का विकास कहाँ से होगा। आप ये सोच सकते हो कि किस तरह से गांधी जी ने इन सब चीजों के लिए लोगों को प्रेरित किया, है ना। तो उन्होंने इसीलिए मशीन निर्मित वस्तुओं के बहिष्कार से देश की सामाजिक आर्थिक दशा में नई जान फूंक दी, है ना। निर्मित और चल रही मशीनों को बंद करना आसान नहीं था, इसीलिए इनकी स्थापना के समय इस पर रोक लगाना था। मतलब कि अगर जो चीज शुरू हो जाएगी, अगर मशीनरी वाली फैक्ट्री शुरू हो गई, तो उसको बंद करने में बहुत मुश्किल आ सकती थी। इसलिए उनका कहना था कि इनको स्थापित होने से पहले ही रोक दो। मतलब अगर ये खुलने वाली है तो इनका पहले ही से बहिष्कार कर दो। जब लोग चीजें नहीं लेंगे, विदेशी कपड़े नहीं खरीदेंगे, तो कहाँ से ये कंपनियां चलेंगी। इसीलिए उन्होंने विदेशी जो कपड़े थे, वस्त्र थे, उनका बहिष्कार किया। किस लिए किया, भारत के विकास के लिए, ग्रामों के विकास के लिए। ग्रामीणों की योग्यता पर वे पूरी तरह निश्चित थे। जब उन्होंने तर्क दिया कि विश्व की कोई भी मशीनरी का ग्रामीण लोगों के काम करने वाले हाथों पैरों से कोई मेल नहीं, तो उन्होंने निसंदेह ही लकड़ी से बने साधारण यंत्र जो उन्होंने अपने निजी इस्तेमाल के लिए बनाए, दुनिया में इसका कहीं भी कोई मुकाबला नहीं था, है ना। भारतीय खेतीहर को हथकरघे की बजाय चरखे की पेशकश की जरूरत थी, क्योंकि हर घर में चरखा को पहुंचाया जा सकता था, ना कि हथकरघे को। चरखा काटने की बहाली से भारत की आर्थिक समस्याएं जो थी वो हल हो सकती थी आसानी के साथ, ठीक है। शिक्षा के लिए क्या किया कि गांधी जी का ठोस विश्वास था कि शरीर और मस्तिष्क के विकास में बुनियादी शिक्षा महत्वपूर्ण है। उन्होंने हमेशा शिक्षा के लिए लोगों को जागरूक किया, है ना। अपनी भाषाओं में हमको क्या करना चाहिए, सुधार लाना चाहिए, है ना। भारत को देश के लिए सार्वभौमिक भाषा के रूप में हिंदी को अपनाना चाहिए, जहाँ फारसी या नागरी इसे लिखने का विकल्प भी हो सकता है। पहले क्या है कि पहले फारसी ज्यादा चलती थी या संस्कृत चलती थी, हिंदी का इतना प्रचलन नहीं था। तो अंग्रेजी पुस्तकों को भारत की विविध भाषाओं में अनुवाद करने की जरूरत है, ताकि लोग हिंदी में इसको अच्छे से पढ़ सकें, ठीक है। फिर यहाँ आपका आ गया शिक्षा से जो जुड़े हुए उनके विचार थे, या उन्होंने जो कुछ भी शिक्षा को लेकर हमारे भारत में बताया, है ना। तो उससे क्या होता है कि उससे एक विकास का मार्ग प्रशस्त होता है, ठीक है। देखिए,
भौतिक प्रगति पर क्या कहते हैं गांधी जी, एक बार वो देख लेते हैं। तो मैंने यदि इस बात पर विश्वास नहीं किया होता तो हमने आधुनिक भौतिकवाद पागलपन का अपना लक्ष्य बना लिया। मैंने इस बात पर इतना जोर नहीं दिया होता जितना अब मैंने दिया है। ऐसा लक्ष्य हमें विकास के पथ पर नीचे की ओर ढकेल रहा है। इसी वजह से प्राचीन विचार धन संपत्ति को विकसित करने वाली गतिविधियों को सीमित करना था। सभी भौतिक लक्ष्यों का अंत नहीं होता। हमारे बीच ऐसे पहले की भांति बहुत से लोग हैं जो धन कमाने को अपने जीवन का लक्ष्य मानते हैं। ऐसे लोग अभी भी हैं जिनको केवल धन कमाना है और उनका एकमात्र जीवन का लक्ष्य क्या है, केवल मनी है ना। लेकिन हमने सदैव इस बात को पहचाना है कि यह अपने आदर्श से गिरने जैसा है। यह जानना एक सुखद एहसास है कि हमारे बीच सबसे धनी लोग इस बात को मानते हैं, यदि वो निर्धन होते तो उनके लिए यह बेहतर होता। ठीक है, आप ईश्वर से और कुबेर को सबसे ऊंचे सत्य के रूप में नहीं देख सकते। हमें किसी एक को चुनना होगा, है ना। तो पश्चिमी राष्ट्र भौतिकवाद जैसे दानवों के पैर तले कराह रहे हैं। आज भी अपनी तरक्की को पाउंड शीलिंग और पेंस में मापते हैं। अमेरिकी दौलत आज एक मानक है, दूसरे राष्ट्र उससे जलन करते हैं। मैंने आपने बहुत से देशवासियों को कहते हुए सुना है कि हम अमेरिकी संपत्ति की प्राप्ति चाहते हैं, लेकिन इसकी विधियों को अनदेखा करते हैं। और यह कहने का साहस करते हैं कि यदि कोई ऐसी कोशिश की गई तो इससे अवश्य ही निराशा ही मिलेगी। हम एक समय में समझदार, लचीले और गुस्सैल नहीं हो सकते। मैं चाहूंगा कि हमारे नेतागण विश्व में हमें नैतिक रूप से सर्वोपरि बनाना सिखाएं। तो ये था आपका गांधीवाद का जो विकासवादी मॉडल है, विकास पर गांधीवादी मॉडल है। तो संपत्ति त्याग पर भी गांधी जी ने कुछ कहा है, तो इसको देख लेते हैं कि धनियों के पास ऐसी बेकार की वस्तुओं का भंडार है जिनके उन्हें जरूरत नहीं होती है, और इसी वजह से जिनकी ओर वे ध्यान नहीं देते हैं, इनकी बर्बादी हो जाती है। जबकि करोड़ों लोग ऐसे हैं जो जीवन निर्वाह की जरूरतों के अभाव में भूखे रहते हैं। हमारे पास भी ऐसी कई वस्तुएं पड़ी रहती हैं जिनको हम खरीद तो लेते हैं पैसे खर्च करके, लेकिन वो स्वतः ही पड़ी रहती हैं और उनका कोई यूज नहीं होता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको उनकी आवश्यकता होती है लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते खरीदने के लिए। तो इसी बारे में गांधी जी के भी यही विचार है कि धनी अपने धन केवल एक ही भाग में ऐसे जरूरतमंद को दे दे तो किसी को भी किसी किस्म की चाह नहीं रहेगी, सभी संतोषपूर्ण जीवन जी सकेंगे। लेकिन यथार्थ में जहाँ गरीबी निर्धन गरीबी से रो रहे हैं, वहीं अमीर अपनी संपत्ति से संतुष्ट नहीं है। अगर गरीब के पास पैसे नहीं है तो जो अमीर है जिनके पास पैसा है तो वो और चाहता है कि हमारे पास और पैसा आ जाए। तो गरीब आदमी करोड़पति बनने के लिए और करोड़ अरबपति बनने के लिए उत्सुक रहता है, तो यही बताया गया है जो कि जीवन की एक सच्चाई है ना। स्वदेशी विकास पर गांधीवादी परिपेक्ष स्वदेशी की संकल्पना या घरेलू अर्थव्यवस्था पर टिका हुआ है। प्रचालन की दृष्टि से स्वदेश का अर्थ लोगों के लिए, विशेष रूप में ग्रामीणों के लिए स्वरोजगार, आत्मनिर्भरता, स्वशासन कायम करना है। ग्रामीण परिषदों के हाथों में आर्थिक राजनीतिक सत्ता से गाँव के बाहर के बाजारों के प्रति ग्रामीणों की संवेदनशीलता तेजी से कम होगी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि स्वदेशी के बारे में कुछ गांधी जी के विचार हैं। ठीक है, तो यहाँ हम अपना जो गांधीवादी परिप्रेक्ष्य उसको खत्म करते हैं, क्योंकि यहाँ केवल इतनी ही बातें हैं जो कि हमको पढ़नी चाहिए या जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और धन्यवाद। जय।